हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड में जो है भर्तियां जो है वो लगातार निकल रही हैं, और इसके ऊपर मैंने कल भी बात करी थी कि कुछ भर्तियां जो हैं विभाग में खाली हैं, जिसमें से फॉरेस्ट गार्ड की मैंने बात करी थी, 890 से ज़्यादा पद हैं और इसके ऊपर जो है भर्तियाँ पूरी की पूरी निकली हैं, और इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसके साथ ही खाली ये फॉरेस्ट गार्ड की नहीं है, अभी 1500 के ज़्यादा, 1500 से ज़्यादा मैंने पूरी कल जो है वो आपको पढ़ के सुनाई थी। तो एक एक करके जो है इसकी नोटिफिकेशन आ रही है, और कुछ विभाग में कुछ कम जो है वैकेंसीज़ हैं, तो उनके लिए एक कंबाइंड पेपर वो करवा देंगे। कंबाइंड पेपर करवाने के बाद में जो विभाग है उनको भरा जा सकेगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है इसमें योग्यता क्या है, पद कितने हैं, और सबसे बड़ी बात सैलरी कितनी है, और उसका एग्ज़ाम किस तरीके से आएगा। आप योग्य हो या नहीं हो इसके ऊपर भी आप इसके चर्चा करेंगे। लास्ट डेट क्या है, फर्स्ट डेट, स्टार्टिंग डेट क्या है, सबके ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का नोटिफिकेशन आ रखा है। नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है मैं पूरा पढ़ के आपको बता रहा हूँ। चयन हेतु विज्ञापन समूह का वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी के जो हैं 894, 894 जो हैं ये टोटल पद हैं जिसके ऊपर विज्ञापन है ये पूरा का पूरा। इसके बात करते हैं आवेदन की प्रारंभिक तिथि क्या होगी, और विज्ञापन तो आज का आ रखा है 19 अगस्त 2021 का। विज्ञापन की जो आवेदन की जो तिथि होगी वो होगी 24 अगस्त, यानी 24 तारीख से जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो इसकी ओपन हो जाएगी। आप अप्लाई कर सकोगे ऑनलाइन, आप इसमें 24 तारीख से ही अप्लाई कर सकते हो। जो अंतिम तिथि है वो 7 अक्टूबर है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। उसके बाद जो फीस की अगर हम बात करें उसके लिए 2 दिन का आपको गैप दिया गया है, यानी 9 तारीख तक लास्ट डेट फीस के लिए है। ठीक है, इसकी जो सबसे पहले अगर हम बात करें शारीरिक दक्षता या लिखित परीक्षा जो होगी वो, उसका अनुमानित समय जो दे रखा है उन्होंने दिसंबर 2021 दे रखा है। इसके बाद में हम अगर हम बात करें तो कितनी कितनी किस किस पोस्ट में हैं, तो अनुसूचित जाति का अगर हम बात करें तो ये हैं 164, सामान्य की है 473, अनुसूचित जनजाति की है 37, अन्य पिछड़ा वर्ग की है 126, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो होते हैं वो हैं 94। ये टोटल हैं, और इसमें जो है पदों की संख्या इस तरीके से पूरी की पूरी दे रखी है, जिसमें फ्रीडम फाइटर्स के लिए हैं, एक्स सर्विस मैन के लिए भी हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर हैं तो वो भी हैं, अदर्स के लिए भी हैं। पूरा का पूरा आप इसको पढ़ सकते हो। पे लेवल की अगर हम बात करें वेतनमान कितना है, तो ये है 21,700 से 69,100 लेवल 3 के बेसिस पे। ठीक है, इसके बाद आयु सीमा की अगर हम बात करें 18 से 28 वर्ष तक के बीच की है, जिसमें पद का स्वरूप जो है वो स्थायी है। शैक्षिक अर्हता यानी क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें खाली आपको इंटरमीडिएट या इसके अप्रोक्स इंटरमीडिएट या इसके आजू बाजू में, मतलब आजू बाजू मतलब इसके इक्विवेलेंट जो है वो आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। अधिमानी अर्हता जो है वो ये है, इसमें कुछ नहीं है कि जिसमें अगर मान लेते हैं टाई का केस आता है तो जो जेएस्ट होगा, जेएस्ट यानी जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको पहले रखा जाएगा सूची में, उसको जो है ऊपर रखा जाएगा। ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये है 163 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर, और इसके बाद फुलाव तो हर बार वही होता है, 5 सेंटीमीटर हर उसमें। ठीक है, शारीरिक मापदंड में ये लिखा हुआ है। इसके बाद ही कुछ लोगों को जो है वो छूट भी है, यहाँ पे सारा का सारा लिखा हुआ है। पुरुष की ऊंचाई जो है ये गोरखा हो गया या गढ़वाली हो गया या सिक्किम के जो होते हैं नेपाली या लद्दाखी, ठीक है, मेघालय के लोग, उनको पुरुष की ऊंचाई जो है वो 152 सेंटीमीटर है, महिलाओं की है 145 सेंटीमीटर इसमें। ठीक है, और बात करें तो इसमें 25 किलोमीटर की दौड़ जो होगी वो 4 घंटे में आपको पूरी करनी है अधिकतम, और 14 किलोमीटर की महिलाओं के लिए होगी जो कि 4 घंटे में ही पूरी करनी है। इसके साथ ही अगर हम इसकी परीक्षा की बात करें तो परीक्षा के लिए आयु सीमा तो आपको बताई दी गई है। ठीक है, इसकी परीक्षा की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले बात करेंगे हम परीक्षा शुल्क का। तो ये जो एप्लीकेशन का जो फॉर्म होगा उसकी जो शुल्क है सामान्य के लिए या ओबीसी के लिए 300 रुपये है। ठीक है, एससी के लिए या एसटी के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो हैं वो 150 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे अगर आप इनमें से किसी में आते हो तो। परीक्षा जो होगी इसकी लिखित प्रतियोगी परीक्षा यानी ऑब्जेक्टिव जो होंगे उसमें क्वेश्चन आएंगे आपके, और ये अभी इन्होंने ये बोला है कि मैं लास्ट में आपको पढ़ के भी बताऊंगा कि सीबीटी की भी तैयारी कर रही हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर ये हो जाता है तो उसके ऑनलाइन आपकी हो जाएगी। अदर
अगर नहीं होता अदरवाइज तो आपकी ऑफलाइन ही होगी, है ठीक है। 2 घंटे की परीक्षा होगी, 100 क्वेश्चन उसमें आएंगे आपके, और उसमें जो आएंगे वो आएंगे हिंदी के सामान्य ज्ञान के सामान्य अध्ययन से, और संबंधित सारे के सारे जो हैं उसमें प्रश्न आएंगे, जिसमें लास्ट में ये भी लिखा हुआ है जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आयोग द्वारा अब ऑफलाइन परीक्षा के साथ साथ ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT जिसको हम कहते हैं परीक्षाओं की भी तैयारी की जा रही है। अतः ये परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी भी प्रकार से संपन्न कराई जा सकती है। तो ऑनलाइन होगी तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहता है, ऑनलाइन में ज़्यादा आप मैं ये कह सकता हूँ फ्रीडम ज़्यादा है आपके पास में, आपके पास में जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो भी बहुत अच्छे से होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में। तो ऑनलाइन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ऑफलाइन तो होगा ही वरना, है ना। तो ये अभी का मैं ये कह सकता हूँ कि आपके लिए न्यूज़ है, और इसको आप टाइम से भर लें, इंतज़ार मत करिएगा कि आप पूरा का पूरा इसकी लास्ट डेट का, आप इसको पूरा टाइम से करिए। और अगर आपको कुछ इसमें सुझाव देना चाहते हैं हमारे को तो सुझाव भी ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।